सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी ने इस बात की कंफर्मेशन दे दी है कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक के साथ नशे का करती थी सेवन। जी हाँ, नशे का वो सेवन जो इलीगल कहा जाता है। जी हाँ, NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ झेली है रिया चक्रवर्ती से सच को बुलवाने में। ऐसे में ये नया राज जो खुला है उसकी हम बात आप सभी के बीच ज़रूर करना चाहेंगे। श्रुति मोदी ने ये कंफर्म कर दिया है कि ना सिर्फ रिया के भाई शौविक बल्कि रिया खुद भी नशे का सेवन करती थी। रिया के वो व्हाट्सएप चैट जो कि अब तक रिवील हुए थे सिर्फ सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति की वजह से, वो व्हाट्सएप चैट जिसमें ये साफ देखा गया था कि श्रुति मोदी तो नहीं लेकिन रिया चक्रवर्ती ऑब्वियसली अपने जो ग्रुप के साथ बात कर रही थी नशे को लेकर, नशे के सेवन को लेकर, सुशांत को वो नशा देने को लेकर, उसे लेकर अब एक नई कन्फर्मेशन मिल गई है कि ना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत बल्कि रिया भी नशे का सेवन करती थी। जी हाँ, श्रुति मोदी ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सामने ये सच स्वीकार किया है कि सुशांत के आसपास माहौल बिल्कुल नशीले पदार्थ के सेवन का बना हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत की प्रॉपर्टीज पर बहनों की नजर है। इस तरह के इल्जाम श्रुति मोदी के वकील अशोक सारावगी ने कुछ दिनों पहले लगाए। इसके बाद ये भी खबर आई कि जो पार्टी हुआ करती थी उस पार्टी में सुशांत की बहनें भी शामिल होती थी जहां पर नशे का सेवन किया जाता था। अब एक्स मैनेजर श्रुति मोदी ने ये कंफर्म कर दिया है कि रिया भी उसमें इन्वॉल्व थी, रिया भी उस तरह के सेवन किया करती थी। कहीं ना कहीं अपना पलड़ा झाड़ कर श्रुति पूरी तरह से जिम्मेदारी अब रिया पर सौंप चुकी हैं इस मामले की। कहीं ना कहीं CBI की हिरासत में जो ऑलरेडी रिया पिछले 6 दिनों से इंटरोगेशन का सामना कर रही हैं, वो अब इस बात का जवाब किस तरह से देंगी ये देखना होगा, क्योंकि ये सच श्रुति मोदी की तरफ से सामने आया है जिसे उन्होंने खुद कबूल किया है। अगर माने सोर्सेज की तो ये जानकारी मिली है जिनके पक्ष में उनके वकील ने ऑलरेडी कहा है कि श्रुति मोदी को कुछ सामान दिया जाता था जो कि वो पार्सल किया करती थी, सुशांत को पहुंचाया करती थी, लेकिन इस बात की उन्हें जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि असल में वो पार्सल क्या था और उसके अंदर क्या हुआ करता था। इसके बाद रिया की बेहद करीबी श्रुति मोदी जो कि यूरोप ट्रिप के दौरान भी रिया की बहुत नज़दीक नजर आई थी, लेकिन आज वही श्रुति मोदी रिया के पक्ष में नहीं बल्कि रिया के बिल्कुल खिलाफ खड़ी नजर आ रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।